तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे पार्टी में, जिसमें काले काले दो अभी तो अंधेरा से काले दिख रहे हैं, नहीं तो गोरे हैं यार। आज फिर से जोही के बाल काटे जा रहे हैं, आज तो कुछ ज्यादा खतरनाक काट दे रहे हैं उन्होंने बाल। रिया ने जोही को देख लिया साइड में। जोही कैसी लग रही है? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7 बजे से, जो 7 बजने वाला है, तो आज काफ़ी लेट हमारा ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में, तो भाई है, भाई के बच्चे का आज बर्थडे पार्टी है, दूसरा बर्थडे, तो इनवाइट किया था, सुबह आया था कार्ड देने के लिए भैया, तो जाना है, ज़रूर आने के लिए बोला हुआ है। तो फ़िलहाल तो तैयार होने की तैयारी कर रही हूँ और दिल्ली जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और दिया, तू आ रही साथ में? दिया आ रही है सामने से खड़ी, दिया तो तैयारी होगी लग रहा है, नहीं हुई अभी और चेंज करेगी, डिसाइड नहीं हुआ है अभी, डिसाइड नहीं हुआ है। तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, 7:30 बजे लिल्ली आ जाएगी बोली है, और केक कटिंग का टाइम भी 7:30 है बोला था, तो मैं फटाफट तैयार होती हूँ आधा घंटा टाइम पर तैयार होने में। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे पार्टी में, जिसमें काले काले दो अभी तो अंधेरा से काले दिख रहे हैं, तो गोरे हैं यार। और एक हमारे साथ एक और है, ये देखो हमारे साथ एक हीरोइन और है, हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। पहले तो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, तुझे रास्ता याद है ना मुझसे? नहीं मुझे तो खाली गली याद है, बस अंदर अंदर जाना चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज हम जहाँ जहाँ गली में घूमने वाले हैं वहाँ जाके मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचो, ठीक है? और मुझे उसमें भी डांस सीखना है, गुरु का पूरी वाला, लेकिन तो वो सिखाना, फिर मैं वो ड्रेस पहन के नहीं मेरा मैं रील बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि उस गाने पे मुझे स्पेशली डिमांड आई है, इस पर रील बनाना है। यस, बढ़िया बढ़िया, सिखाएंगे जो। ओके डाल दूंगी चलो चलो। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं घर को, अभी तक गर्म बढ़ता, अभी मस्त मस्त हवा चल रही है, देखो यहाँ पर टिपली कर देंगे, और हम लोग भी गली खुच में यहाँ ज्यादा जा रहे हैं। दिया को हमने दूसरे देखे हुए हैं, ये रात में हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, अभी हमने गुंडागर्दी नहीं करते, आवारा गर्दी आगे वाले इंडिकेटर सारा से चल रहे हैं भैया। अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी हमें टुकटुक और ऑटो नहीं मिला, जिस कारण से अभी हमें टिकलिंग करके हम लोग जा रहे हैं। वैसे ऐसे जाना नहीं चाहिए, गलत बात है, बट क्या करें, मजबूरी है। उजो। 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 ये मेरे को तो गलियों की समझ में नहीं आई है, यहाँ तो घूम लो आगे। नहीं नहीं, हम तो आगे से गलत गली पकड़ ली थी हमने, वो गली आगे बंद हो गई थी, फिर वापस आए। अच्छा गर्म, इतना गर्म हो रहा है।
तो गर्म हो गया खाना खाते खाते अरे चलो चलो हम तीनों के तीनों रात में मटर कश्ती करते हुए पूजा रहेंगे मत कर मत कर जान तुम ही जाओ यार पहले हम बाद में जाएंगे दो मिनट अभी मौत नहीं चाहिए बस अरे बर्थडे आने वाला से वही तो पता बर्थडे से पहले डड्डे हो गया खाला मन तो शुरू नहीं वो गई की तिल अब उसका फोन कर दूंगी मैं अभी हां देख पूजा देख पूजा देख पूजा देख लाइट कर दे अरे दो पतले लोग तुम छोटे में देखो हम पतले हो रहे हैं मेरे पीछे बहुत जगह नहीं है बाय बाय हाय गाइस चल बाय 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 मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ठीक है बाय आओ जरा हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे और अभी बजे आज 9:05 है तो श्रेया आ चुकी है किचन में कल मैं यहाँ नहीं थी घर में तो श्रेया ने यहाँ पे खूब सारा मतलब कांड किया है कांड करके इतने सारे बर्तन रखे हैं मेरे लिए सुबह सुबह धोने के लिए और रात को उसको इडली खाने का बहुत मन करा था तो उसने इडली बनाई है अपने लिए स्पेशल और इडली इतनी इतनी पतली पतली पुच्चू पुच्चू उसने बनाई थी क्या बताओ और अभी जो वही खाऊंगी सब और वो अभी जो वही इडली बची हुई है उसे इडली को भुना जा रहा है प्याज मसाले डाल के थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के तो उसी को भून के नाश्ता बना रही है तो लंच थोड़ी देर में बनाऊंगी इतनी अच्छी बेटी मिलती गए लोगों को सभी नाश्ता बना दिया उतनी सी इडली बनाने के लिए सिर्फ सारे बर्तन लगा रखे आप सब्जी बनाओगे हाँ देखो ना पूरे बर्तन ही बर्तन है देखो ये सब इडली के लिए इडली के बर्तन यूज करके देखो ये कुकर इडली का बर्तन तो नहीं साफ कर रहे इस लड़की ने पूरा ऐसा करता क्या बता किचन को आस्ते व्यस्त चलो फिर जब तक नाश्ता बना रही है तब तक हम और काम कर ले ओह मैं कह रही वहाँ कौन हिल रहा है बैठा कमरे में वहाँ मेरी चुन्नू मुन्नू हिल रही है वहाँ देखो जरा वहाँ और नीचे से उठ के बिस्तर में घुसी पड़ी हिलते हुए हाथ हिलते हुए दिख रहे हैं हाथ हिला दो जरा मेरे पति देव का होममेड प्रोटीन पाउडर भी खत्म होने वाला है जब ये दोबारा बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं करके और क्या क्या डालते हैं सर ने बताया था क्या क्या डालते हैं फिर भी मस्त वाली धूप आ चुकी है बाहर पति देव छत पर जा चुके हैं काम करने के लिए शायद नाश्ता बनाती है तो फिर थोड़ा थोड़ा नाश्ता ऐसा करते फिर लंच बनाएंगे आराम से बनाएंगे आज संडे क्योंकि अभी हाँ हाँ वहाँ से सारे घर ही क्या क्या ये कह रही है कि श्रेया उठी है वो झाड़ू पोछा करने के लिए बोलो एक कान लगा के सुन रही है तो अब यहाँ पे तैयार हो चुकी है इडली फ्राई जो ये इडली श्रेया ने बनाई थी इतनी पतली पतली इडली इतनी पतली पतली इडली नहीं है तो उसको फ्राई कर दिया है नहीं मेरी इडली अब मैं क्या करूँ पूरी कैसे बनाया जैसे बनता है चटनी देखो कितनी चुन्नू से चटनी बनाई है इसने मैंने जादी बनाई थी वो कल खा ली जादी चटनी लगा वेरी गुड ये पापा को दे आती हूँ मैं नाश्ता हल्का फुल्का क्या करो एक बार अच्छा ही हो रहा होगा क्या हूँ पापा को भी दे चटनी ठीक नहीं अच्छा आ रहा ठीक है ना मम्मी डिस्गस्टिंग आज फिर से जोई के बाल काटे जा रहे हैं आज तो कुछ ज़्यादा खतरनाक काट दे रही है बाल ले उसको ना ऐसे हो रहे यहाँ पे लट्ठे बन गए थे बालों में कुछ नहीं हो रही है तो उससे बाल काट देंगे लट्ठे से हो जाता है वैसा समझे हाँ नहा धो के चक्कर भी बनी है जोई अब जोई ना हमारी चुन्नी से अजीब अजीब सी दिखेगी बेचारी का मुंह सिर जैसा बॉडी चुआ जैसी ये देखो कैसी दिख रही है ए चीची ये तो गंदी दिख रही है कैसे लगी हो गंदी आगे बीच में से पीछे से और मुंह बीच में और आगे और पीछे खुले खुले बाल रिया ने जोई को देख लिया साइड में क्या हुआ जोई कैसे लग रही है तेरे पापा ने कैसे कर दिया उसको अगर ये से अभी तो और कटने वाले पापा उसके बाल बाल उसे मुंह के बाल भी काट सकती हूं नहीं नहीं मुंह के बाल नहीं मुंह के बाल ठीक करूंगा लेकिन ऐसा अभी बॉडी से काटने हैं क्या क्या बना दिया पापा ने जी को सैंडी भी देख रही है अरे आ चुंगड़ू जैसी हो गई जी कैसे लग रही क्या आई नहीं रही हो दोनों ने नहा लिया आज
वहाँ पानी है जो ही गंदी रहेगी। क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ बब्बू मेरा बेबे, ये क्या हो गया। दीदी के वाले दीदी कहाँ है, श्रेया कहाँ है? अच्छा वहाँ बैठी श्रेया। दोस्त ना लाया तो रूम को थोड़ा चमकाई। ये छिपकली कौन है हमारे घर में, ये क्या कर दिया? जीरो का टिक कर देते ना ऐसे, क्या धड़धड़ाहट काट दिया, रेजर ही मार देते उससे बढ़िया। सबके रिएक्शन में खतरनाक हो गए। अच्छी लग रही इसकी पूजा, मुंह भरा भरा है तो उसका बॉडी ना पूरा बाल उड़ा देना तो ना प्यारा लगेगा। दिया को मेरे को पसंद नहीं आया, पापा ने सब दादी बेचारी करके उसके वो जीरो कटिंग कर देना पूरी, बहुत ही प्यारी लगेगी। ओ मेरा बाबा, ये ना पतली है ना, थोड़ी गप्पू होती तो अच्छी लगती। सीसी पे अपने आपको देख कैसी लग रही है। अभी गिर गई आराम से, बस मुंह के बाद काट दिया। दिया बेचारी अपने कुत्ते का देख के मजा था, उसमें ले गई है। कितनी प्यारी लग रही है ये, अच्छी लग रही है। अभी जस्ट मेरा नहाना धोना हो चुका है, साथ में दिया चाहिए अपने नहा लिया। और बाहर अगर आप सर्दी मानो, सुबह क्या मस्त सारी धूप आई थी और अभी आ चुकी बारिश मस्त वाली। कल ना इतना गर्म हो रहा था बर्थडे पार्टी के समय, और अभी जो बारिश आई है ना, हाँ मजा आ गया। बस ये बारिश मस्त रही है तो मजा आ जाएगा। पति देव बारिश भीग के आ गए सारे, बेमौसम की बरसात हो गई। बोतलें कौन कहेगा सुबह का मौसम देख के क्योंकि बारिश हो रही करके। तो फटाफट करते हैं हम लोग लंच को। श्रेया पापा ने और श्रेया ने कर लिया है लंच, अब मैं और दिया करेंगे क्योंकि हम नहा धो कर रहे थे, टाइम लग गया इसलिए। दियो को बुला भेज दो जल्दी खाने के लिए। तो बस श्रेया फटाफट किचन में बर्तन संभाल ली है। कामदार है तो डी आ चुकी है, तो हम भी हम लोग करते हैं अपना लंच। तो जस्ट अभी हम लोग आज खा रहे हैं मांस की खिचड़ी। श्रेया दिया का कब से बोल रही थी मम्मी मांस की खिचड़ी बनाना, तो मैंने कहा छुट्टी के दिन बनाऊंगी, तो आज छुट्टी है सबकी तो गर्मा गर्म सब इंजॉय करेंगे। तो फटाफट मैं और दिया भी इंजॉय करते हैं मांस की खिचड़ी। बारिश होने के वजह से खूब मस्त मौसम हो चुका है, और इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।